नमस्कार दोस्तों, PKR एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बताने वाले हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, कार्य ग्रहण अवधि। ज्वाइनिंग टाइम का हिंदी क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्य ग्रहण अवधि कहते हैं ज्वाइनिंग टाइम को। ठीक है, तो अक्सर लोग देखते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम को जो है ज्वाइनिंग टाइम ना बोल के क्या बोलते हैं इसको, प्रिपरेशन लीव। क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन लीव। जबकि ज्वाइनिंग टाइम जो है वो किसी प्रकार का लीव है ही नहीं। ज्वाइनिंग टाइम क्या है, वो लीव है ही नहीं। ज्वाइनिंग टाइम है जो ज्वाइनिंग करते समय दिया जाता है। हाँ, ज्वाइनिंग टाइम को आप लीव में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम को आप लीव में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वही कह रहा, ज्वाइनिंग टाइम कोई लीव नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के लीव यानी छुट्टी की चर्चा IRCE वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में है। ठीक है, और जबकि ज्वाइनिंग टाइम का चर्चा कहाँ है, IRCE वॉल्यूम 1 के चैप्टर 14 में है। तो लीव का चर्चा कहाँ है, लीव का चर्चा चैप्टर 5 में है, और जबकि ज्वाइनिंग टाइम का चर्चा कहाँ, चैप्टर 14 में है। इसीलिए ज्वाइनिंग टाइम किसी प्रकार का लीव नहीं है। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग टाइम को क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन लीव यानी PL। एक PL तो होता है आपका पैटर्निटी लीव, और दूसरा PL होता है प्रिपरेशन लीव। जबकि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जब ट्रांसफ़र हो के, चाहे आप प्रमोशन से जाएँ या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जाएँ, ठीक है, तो उस समय जो आपको मतलब रूम सेटल करने के लिए, फैमिली सेटल करने के लिए जो दिया जाता है, उसी को प्रिपरेशन लीव बोलते हैं, जो कि बोलना सही नहीं है, वो क्या है, ज्वाइनिंग टाइम है। तो कह रहा है कि जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर प्रमोशन लेकर या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर आपका ट्रांसफ़र होता है, तब यह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रमोशन लेके, तो आपको ये मिलता है। इसके बाद कहता है कि जैसे कि ऑन रिक्वेस्ट हो गया और म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, एक भी दिन का आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। किस में, ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल में किस में मिलेगा, या तो आप प्रमोट होके जाते हैं और या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आपका कहता है कि टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र होने पर भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता है। टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र होने पर ज्वाइनिंग टाइम आपको नहीं मिलता है। टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र कितने दिन का होता है, टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है 180 दिन का। 180 दिन मतलब मोटा मोटी 6 मंथ हो गया। ठीक है, तो 6 मंथ जो होता है ये TA देने का इसमें प्रावधान है। ठीक है, क्या दिया जाता है, 6 मंथ तक TA। आप किसी कहीं भी टेम्प्रोरी आपको ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ आपको 6 महीने तक TA देने का प्रावधान है, इसीलिए उसमें आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम का अलग चैप्टर है, उसको हम अलग से बताएंगे आपको। अब बात रहा कि ज्वाइनिंग टाइम कब मिलता है, किस सिचुएशन में मिलता है, कितना दिन मिलता है। अगर आप बिफोर नून ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, बिफोर नून ज्वाइन करते हैं, तो उसी दिन से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और अगर आप आफ्टर नून ज्वाइन करते हैं तो अगले दिन से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से ट्रांसफ़र होकर आए स्टेशन पर। ठीक है, अब यहाँ आप अगर 12 बजे के पहले अगर रिपोर्ट कर दिए, ठीक है, तो आपको उसी दिन से ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा जितना दिन मिलना होगा। और अगर 12 बजे के बाद किए तो आपको अगले दिन से आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर आप बिफोर नून ज्वाइन करते हैं तो उसी दिन से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और अगर आफ्टर नून ज्वाइन करते हैं तो अगले दिन से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आगे कहता है कि अगर रिपोर्टिंग के बाद ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग के बाद अगर आप शुरू कर देते हैं ड्यूटी तो आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। रिपोर्टिंग के बाद ड्यूटी करना अगर आप शुरू कर दिए, यानी कि ट्रांसफ़र होकर आए पुराने स्टेशन से नए स्टेशन पे, वहाँ रिपोर्टिंग की है, और रिपोर्टिंग के बाद क्या है कि आप ड्यूटी शुरू कर दिए, तो जैसे ही आप ड्यूटी शुरू कर दीजिएगा फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। आप रिपोर्ट कीजिए और रिपोर्ट करने के अगर 12 बजे के पहले रिपोर्ट कर दिए तो उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग टाइम काउंट शुरू हो जाएगा, और अगर 12 बजे के बाद अगर रिपोर्ट करते हैं तो अगले दिन से आपका ज्वाइनिंग टाइम शुरू होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ, अगर रिपोर्टिंग के बाद क्या कह रहा है, अगर रिपोर्टिंग के बाद आप ड्यूटी शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, यही फंडा है इसका। तो अगर हमको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिल रहा तो फिर मेरा ज्वाइनिंग टाइम होगा क्या, बात यहाँ सवाल ये उठता है। तो जब आप नहीं लेते हैं ज्वाइनिंग टाइम, आप आके अपना ड्यूटी शुरू कर देते हैं, ठीक है, आए और अपना ड्यूटी ज्वाइनिंग करके ड्यूटी शुरू कर दिए, तो उस सिचुएशन में आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है, जितना भी आपको मिलना है उसको आप LIP में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो LIP है, LIP में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ कि अगर आप ज्वाइनिंग टाइम नहीं लेते हैं तो उसे आप LIP में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको DRMP को जो है एक लेटर देना पड़ेगा ऑफिस को,
कि मैं ये ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं कर पाया और इस ज्वाइनिंग टाइम को मेरे एलएपी में ऐड किया जाए। समझ गए, बस इतना ही है। अगर आप और फिर अगर सवाल उठता कि मान लीजिए कि आप ज्वाइनिंग टाइम लिए, अब मान लीजिए कि आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलना था और आप 5 दिन ही अवेल किए, 5 दिन छुट्टी पे गए, फिर आप आ गए या इससे ज़्यादा आपको छुट्टी मिला ही नहीं स्टाफ के कमी के कारण या और कोई भी प्रॉब्लम के कारण, तो फिर आपका जो वो 5 दिन बच रहा, आपका 10 दिन होना चाहिए था और आपको मिला कितना ज्वाइनिंग टाइम, 5 दिन मिला, तो बाकी शेष 5 दिन जो है, शेष 5 दिन को फिर आप एलएपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। वही कह रहा, अगर आप आधा ज्वाइनिंग टाइम ही अवेल करते हैं, कितना, आधा, तो बाकी बचे ज्वाइनिंग टाइम को एलएपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, एलएपी में कन्वर्ट होगा, सीएल में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ गया, अगर आप आधा ज्वाइनिंग टाइम ही अवेल कर पाते हैं तो बाकी ज्वाइनिंग टाइम को आप क्या करें, एलएपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब ज्वाइनिंग टाइम किसको कितना मिलता है ये भी आपको लगे हाथ बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक ही स्टेशन पे थे, मान लीजिए आप पॉइंट्समैन थे, ठीक है, तो अगर पॉइंट्समैन से अगर आप उसी स्टेशन पे मास्टर बन जाते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग टाइम क्या मिलेगा, 1 डे मिलेगा, 1 दिन मिलेगा। या आप पॉइंट्समैन हैं फिर स्टेशन मास्टर बन के, मान लीजिए टीसीसीसी में आपका हो गया, टीसीसीसी बन के उसी स्टेशन पे आपका पोस्टिंग हो जाता, उस हालत में भी आपको 1 डे ही मिलेगा। अगर आप गार्ड पॉइंट्समैन है और गार्ड बन के आपका हेडक्वार्टर वही स्टेशन हो जाता तो उस सिचुएशन में भी आपको 1 डे मिलेगा, ठीक है। और कह रहा कि आपके पुराने स्टेशन और नए स्टेशन के बीच अगर दूरी 1000 किलोमीटर तक है, कितना है, 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको कितना मिलेगा, 10 दिन मिलेगा। 1000 किलोमीटर तक कितना मिलेगा, 10 दिन मिलेगा। और 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक कितना मिलेगा, 12 दिन मिलेगा, ठीक है। और 2000 किलोमीटर से ऊपर, 2000 तक तो 12 दिन है, ठीक है, 2000 से जैसे ही ऊपर होगा तो कितना मिलेगा आपको, 15 डेज मिलेगा। समझ गए यहाँ, तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, सेम स्टेशन पे आपको 1 डे मिलेगा, 1000 किलोमीटर तक आपको कितना मिलेगा, 10 दिन मिलेगा, 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक कितना मिलेगा, 12 डेज मिलेगा, और 2000 से ऊपर किलोमीटर जब हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 15 डेज मिलेगा। तो यहाँ हम क्या क्या देखें, यहाँ सबसे पहले देखें कि ज्वाइनिंग टाइम जो है आपका कोई लीव नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम का चर्चा कहाँ है, IREC वॉल्यूम 1 के चैप्टर 14 में है, जबकि लीव का चर्चा किस में है, IREC के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में है, ठीक है। आप ज्वाइनिंग टाइम अगर 12 बजे से पहले अगर मतलब रिपोर्ट करते हैं तो उसी दिन से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलना होता है, और अगर 12 बजे के बाद अगर रिपोर्ट करते हैं तो अगले दिन से आपका ज्वाइनिंग टाइम शुरू होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम को आप एलएपी में कन्वर्ट करा सकते हैं DRMP को एक लेटर लिख के। यहाँ तक समझ में आ गया, और ज्वाइनिंग टाइम के बारे में और भी बहुत कुछ बाकी है जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल PKR Education को सब्सक्राइब करें।